शॉर्ट मिशन यूज हो रही है, जैसे पॉइंट रैली चल रही है, ठीक है, रैली चल रही है, बॉल डेड हो गया, क्या है राइट हो गया, जो भी ये चीज शो करनी है, ठीक है। अब थोड़ी लॉन्ग विसल होगी, लॉन्ग विसल कब होगी, जब टाइम आउट ले रहा है, क्या है, ताकि फर्स्ट रेफरी को पता चल जाए, ये सेकंड रेफरी का काम होता है, जैसे लॉन्ग विसल करना है, टाइम आउट देना है, ये उसका काम है, ठीक है। उसके बाद सर्विस की विसल रहती है, ये थोड़ी मीडियम विसल, ठीक है। उसके बाद मेन आपके क्या आते हैं, सिग्नल्स है, टास्क वगैरह हो गया, टास्क में आपका क्या है, दो ही चॉइस रहती है, सर्विस और रिसीव। यहाँ पर हमारे साइड लेते हैं, बेसिकली वॉलीबॉल में साइड कोई चॉइस नहीं है, यहाँ क्यों लेते हैं, वॉलीबॉल तो इंडोर गेम है, तो वहां पर सूर्य का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर लेते हैं कि सूर्य पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है, इसलिए ले लेते हैं। तो अगर किसी ने साइड ली है तो दूसरे को पूछना है कि यहाँ आपने क्या लेना है, सर्विस लेनी है या रिसीव, साइड तो ले ली उसने, सर्विस लेनी है या रिसीव करनी, ठीक है। हो गया, जैसे फर्स्ट सिक्स वो लाइन अप दोनों साइड कर दिए, रेफरी ने फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी ने फर्स्ट रेफरी चला गया, फर्स्ट रेफरी का काम है डिसिप्लिन करना, ठीक है, विसल करेगा, लंबी विसल करेगा और इशारा करेगा, ठीक है। ये बीच में फर्स्ट सिक्स बीच में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद सर्विस के लिए इशारा करना है, ठीक है, ये हाथ पूरा आपका ऐसा चलना चाहिए, ठीक है, विसल की साथ में, हाँ, ये आप सर्विस आपने करवानी है ना, ये जैसे मैं टीम को टीम की सर्विस है तो उसको करवाना है, ठीक है। दूसरा कब होता है, जैसे पॉइंट इस टीम को मिला ताकि राइट टू सर्व शो करना है। हमारे क्या होता है, बहुत सारे जैसे मैचेस में चलते होंगे, टच आउट चला जाता है, कुछ भी चला जाता है, तो ऐसे करते हैं ना, और वो नहीं करना है। पहले क्या, वॉलीबॉल का सबसे पहले क्या है, राइट टू सर्व, एक टीम इधर खेल रही है, एक टीम इधर खेल रही है, अब राइट टू सर्व, सर्विस अगर इसकी हुई है, पॉइंट इनको मिला है, तो पहले क्या शो करना है, राइट टू सर्व। उसके बाद नेचर ऑफ फॉल्ट, इनका क्या था, बॉल अंदर गिरा है तो ये सिग्नल रहेगा, ये नहीं है कि बॉल उधर गिरा है, इधर ही है तो उधर शो करना है, उधर गिरा है ऐसे शो करना, आपने क्या करना, डायग्राम होती है ना, उसके सेंटर में ऐसे शो कर देना, ठीक है। अगर इनको पॉइंट मिला ये पूरा हाथ ऐसे जाने दो, उसके बाद नेचर ऑफ फॉल्ट ये था। उसके बाद आता है टच आउट का, कई ऐसे बंदे होते हैं, पुराने बंदे हैं, कुछ होते होंगे पुराने टाइम पर भी, वो ऐसे करेंगे ये आउट नहीं, अब टच आउट इस साइड से गया है, पहले क्या करना है, राइट टू सर्व, पॉइंट देना है किसको, इसको। उसके बाद इसका टच आउट गया है, ये हाथ ऊपर और उसके बाद स्लाइटली रश करना, ठीक है, ये कर दिया, क्या था, टच आउट किसका था, इस टीम का, ये इंडिकेट कर रहा है कि टच आउट है किसका है, ये हाथ इस साइड है, अगर इस साइड का टच आउट गया है तो ये हाथ ऐसे रहेगा, सेम रहेगा आपका टाइम आउट में, ये टीम टाइम आउट लेती है, ठीक है। ये हाथ आपके बाहर को फेस हो रहे हैं, मतलब और आउट है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कोई इनकी सर्विस है, ठीक है, नेचर ऑफ पार्ट क्या था, बॉल आउट है, बॉल आउट को आप सिग्नल आपने शो करना है, ठीक है। अब आता है कि सर्विस करवाई इन्होंने, नट टच हो गया, नट को टच कर दिया, तो राइट टू सर्व करना पहले, ठीक है, इसका राइट है सर्विस का, तो क्या फॉल्ट क्या था, थोड़ा स्लाइड ऐसे करना है, नेट वन से क्या हुआ, नेट टच। उसके बाद चार फॉल्ट एक सिग्नल, ठीक है, वॉलीबॉल में चार फॉल्ट और सिग्नल एक ही रहेगा, ऐसे होगा। ये कब रहेगा, जब प्लेयर दोनों खेल रहे हैं, नेट के पास स्मैशर वॉक रही होगी है, पूरा पार चला जाता है, ये नहीं है कि जैसे नो बॉल में होता है ना, पाँव उठ गया नीचे, जो नेट के नीचे लाइन होती है ना, पाँव उठ गया, पेनिट्रेशन उसको बोलते हैं, पेनिट्रेशन, ठीक है, ये नहीं कि ये फाउल है, वैसा नहीं है, वॉलीबॉल में पूरा पैर अगर पार होगा तो फाउल है, अगर ऐसे लाइन के ऊपर उठ गया तो फाउल नहीं है, ठीक है, उस टाइम आपका सिग्नल यही रहेगा, ठीक है, ये नट के नीचे होंगे। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग सर्विस आपके सारे प्लेयर अंदर होने चाहिए, सिर्फ सर्वर बाहर, फॉर एग्जाम्पल इनकी सर्विस है इस साइड वालों की,
यहाँ 6 प्लेट होंगे, सर्वर बाहर रहेगा, 5 प्लेट पूरे अंदर रहेंगे, इनके 6 प्लेयर है, 6 के 6 अंदर रहेंगे। अगर कोई भी प्लेयर चाहे इनका सर्वर को छोड़ के लाइन के बाहर है, आधा भी पंप बाहर है या थोड़ा भी पंप लाइन से बाहर है, लाइन तो इंक्लूड है वॉलीबॉल में, लाइन जो है वो इंक्लूड है, अगर उसके ऊपर पंप है तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी लाइन के थोड़ा सा भी बाहर है, ऐसे ऐसे कड़ा है तो मेरी एडी थोड़ी सी बाहर निकल गई फॉर एग्जाम्पल लाइन से, तो क्या होगा, मेरा फॉल्ट होगा, टीम इनकम्प्लीट हो गई है, उस टाइम पे क्या सिग्नल रहेगा आपका, देरी लाइन कट। और सर्वर क्या करता है, सर्विस करता है और लाइन कट कर देता है, तब भी सिग्नल यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद
वो सेकंड रेफरी शो करेगा, फर्स्ट रेफरी को उसका सिग्नल नहीं फॉलो करना, ठीक है। अब सेकंड रेफरी का काम है वो राइट टू सर्व नहीं दे सकता, मतलब सर्विस का सिग्नल नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड रेफरी हूँ, नेट टच हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैं ऐसे विसल करूँगा ऐसे, तो उसके बाद फर्स्ट रेफरी जब मेरे को देखेगा मैं शो करूँगा भाई इसका नेट टच है, ऐसे सिग्नल करूँगा, ठीक है। हाँ, और उसको जस्टिफाई कर रहा है, केस कोई पूछता है भाई किसका है, प्लेयर होते हैं नहीं पता चलता किसका है, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 12 नंबर का, 8 नंबर का, ऐसे जो भी होगा। इस साइड से बाहर चली गई, इन्होंने हाथ नहीं लगाया उसको, लेकिन इनका प्लेयर टच और हो गया था, तो फॉल क्या, फॉल तो इनका हो गया ना, पहले टच हो गया वो, तो उस सिचुएशन में क्या किया, फर्स्ट रेफरी में था, मैंने उसको नहीं देखा, सेकंड रेफरी को नहीं देखा, मैंने क्या किया ऐसे देखा लाइन जिन्हें खड़ी कर दिया, जड्डी खड़ी कर दी, मैंने उसको उसको लिफ्टर है नीचे नहीं है, कोई प्लेयर है नहीं है, लेकिन वो ओवरिच कर गया, वो अपोनेंट के कोर्ट में आप बॉल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कई बार ऐसे बोलते हैं सर उधर तो प्लेयर ही कोई नहीं है, अब 3 टच में बॉल पार करनी है, जहाँ से बॉल उठाई इधर आए, इधर वाले ने उठाई इधर आए, इधर वाले पार कर रहे हैं, तो नेट जहाँ पर था बॉल इधर ही है, अभी नेट के इस साइड ही गिर रही है, अब इधर वाला उठता है, इधर कोई नहीं है, चल बॉल मार देता है, अब क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, पॉइंट इसको इनको जाएगा, क्योंकि नेट के पार वो बॉल को डिस्टर्ब पहले नहीं होता, ऐसे होता था कि लिब्रो कैप्टन नहीं होता, लेकिन अब क्या है, अब लिब्रो भी कैप्टन हो सकता है। कहते हैं लिब्रो कैप्टन क्या प्रॉब्लम है, उससे उसका सिग्नल भी, ठीक है, स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। अगर मान लो जो ब्लॉकर है इधर के भी खड़े हैं उधर के भी, बॉल पहले इस तरफ टच हुई, ब्लॉक किया दूसरे वाले ने, ब्लॉक किया और बॉल वो नेट के साथ टच हुई, अगर वो इधर गिर जाती है हमारी साइड ही गिरी, अगर मान लो सेंटर में गिरी तो पॉइंट, देखो फॉर एग्जांपल ये नेट है आपका, जहां से मैं ब्लॉकर कर रहा हूं, ये ब्लॉक किया है, ब्लॉक है, मान लो इधर से भी ब्लॉक है, उधर से भी है, तो जिस साइड बॉल गिरेगी उनको पॉइंट मिलेगा, उनका पॉइंट मतलब जाएगा आपका, हाँ, जहाँ से बॉल ली मेरे छोटी हाथ से जहाँ लगी और बाहर उठ गई, एक एक्शन में हुआ ये, वो डबल टच नहीं काउंट होगा, ना नहीं होगा, वो क्या सिंगल टच ही काउंट होगा, क्योंकि मैंने जहाँ लिया है ऐसे लगा उठ गया, उसके बाद मैंने ऐसे बॉल उठा रहा हूँ सर्विस वाला या स्मैश वाला, ऐसे रोल होकर निकल गया, एक ही एक्शन में क्या हुआ, ऐसे रोल होकर निकल गया, वो भी अलाउड है। अगर जहाँ से मैंने ऐसे बॉल ऊपर उठा लिया था, उठा लिया था ऐसे ऊपर उठ गया बॉल, यहाँ से ऊपर निकल गया, उसके बाद दोबारा मेरे को टच होता है, फिर डबल फॉल्ट, फिर डबल हो जाता है। मान लो बॉडी को डेलिबरेटली टच नहीं है, बॉल आ रही है इधर हिट हो गई, यहाँ हिट हो गई, और फिर मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ, वो डबल टच में गिना, फिर डबल टच में कौन होगा, सिर्फ एक सर्विस का जब जैसे पॉपुलर अटैक होता है फर्स्ट फर्स्ट हिट, उसमें क्या होता है बॉल कैसे मैं उठा रहा हूँ, कई बार ऐसे होता है इतने, ठीक है, ऐसे डाइव करते हैं प्लेयर, आधा बॉल मेरे हाथ पर लगा है, उंगली पर लगा, आधा जमीन पर लगा, कैरी ऑन, और बहुत सारा मैंने एक चीज देखी हुई है,
जहाँ पर जो हमारे फिजिकल टीचर्स है ना, जैसे आपकी, तो क्या है, डबल का इशारा है। सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, ठीक है, फर्स्ट अलाउड है, थोड़ा बहुत कैच होल्ड अलाउड है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी सेकंड बॉल है तो उसको आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसमें आपने डबल देना नहीं देना है, थोड़ी रोल होती है। अगर बॉल रेस्ट हुई तो उसका सिग्नल क्या है, ये अगर टास कर रहे हैं, सर्विस टास करके करवानी है, अगर विदाउट टास सर्विस होती है, ठीक है, होता ना, प्लेयर ऐसे सिट कर देते हैं, तो उसका सिग्नल ये पूरे बाजू आगे, उसके बाद ये शो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बॉल कैरी हुआ है, सेकंड बॉल कैरी हुआ है, तो ये यहाँ ही रहेगा और ये ऐसे शो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चार प्लेयर टच होते हैं, चार प्लेयर टच हो जाते हैं, मैंने बॉल उड़ाया, दूसरे उड़ाया, तीसरे उड़ाया, चौथे रैंक उड़ाया, बॉल पार नहीं हुई, तो चार टच तो लोड नहीं है ना, उसका सिग्नल क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस टीम के चार टच हुए हैं, राइट टू सर्व शो कर दिया, इसकी सर्विस है। अब नेचर ऑफ बॉल क्या है, फोर। अब जहां वो भी से पता आ गया, ऐसा गया, मैंने चार पॉइंट दे दिए, ये हुआ है मेरे साथ हुआ है, तो स्मैशर ने बॉल हिट की, बॉल नेट में लगी और दोबारा उसी को टच होती है, तो वो भी क्या है, डबल है, उसको डबल करना है, चार शो नहीं करना है, ठीक है। एक टच रिसीव, दूसरे ने सेंड किया, तीसरे ने बॉल हिट की, जिसने हिट की उसी को दोबारा बॉल लगी, नेट मार नहीं गई थी बॉल, तो क्या हुआ, डबल हुआ। रेफरी उसका सेटर का बॉल, दूसरा बॉल रोल हो गया, वो भी क्या है, डबल है। उसके बाद तीसरा टच था, उसने भी अपर हैंड बॉल फेंका, वो भी क्या है, वो भी डबल है। उसके बाद क्या होता है, कभी कोई बॉल ऐसे उठाया, जहाँ से उठाया, मैंने उठाया हुआ, दोबारा मेरे पर ही गिर गया, वो भी क्या है, डबल है। वो बैत करवा देती है, हमें कोई लगा देते हैं ना, अच्छी बात है कि मैं सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, कई कोई दूसरा पूछने वाला होगा, कोई पता नहीं होता है क्या हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि मैंने क्या दे दिया, हमसे कहीं चल रहा है, इन्होंने कुछ किया तो इनको मैंने येलो कार्ड शो कर दिया, अगर नेक्स्ट में ये गलती करते हैं, इनको भी येलो शो करना है, वो करते हैं तो इनको येलो शो करना, अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने इतना फास्ट कर दिया, इन्होंने शो किया कोई वो कर दिया, ऐसे इनको येलो हो गया, तो नेक्स्ट आप करो, तीसरा करे, चौथा करे, कोई करे, आपको पेनल्टी ही आनी है, रेड कार्ड आएगा, एक पॉइंट ही आएगा। अब चुप करके कोच बैठे, अमित ने और उन्होंने क्या किया,